सो हाई एंड वेलकम टू दिस दिसद्र एपिसोड विद मी आर श्योर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी आई एम एच आर डी के बारे में एंड आई थिंक यू नो मैं आपको सारे प्रॉज एंड कॉन्स बताने वाली हूँ अबाउट दी कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और स्पेशली जो इसका नाम है बालोजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दैट मीन्स आपके दिमाग में एक थाट आता होगा कि क्या ये कॉलेज एच आर के लिए नोन है या नहीं है वो भी हम डिस्कस करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्ट आई uh, थिंक हम बात कर रहे हैं बी आई एम एच आर डी के बारे में आई थिंक क्या हम बी आई एम एच आर डी के बारे में बात कर रहे हैं इस कॉलेज के लिए मैंने स्पेसिफिकली स्टूडेंट से बात नहीं से I students की है बट वेन आई वॉज मेकिंग वीडियो फॉर बी आई एम एम आई अट्रैक्ट विद कपल ऑफ स्टूडेंट्स और उनमें से आई फाइंड यू स्टूडेंट जो कि स्पेशली बी एम बी आई एम एच आर डी से थे यूजली अगर हम बालाजी श्री बालाजी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये दे हैव अ सेंट्रलाइज प्लेसमेंट दे हैव अ सेंट्रल कैंपस सबकी बिल्डिंग्स अलग हैं बट एवरी थिंग इज़ लाइक एक छत के नीचे काइंड ऑफ अ थिंग एंड श्री बालाजी सोसाइटी जो है वो 1999 में uh, जो है वो स्टार्ट हुई थी उसके अलावा इसके अंदर चार कैंपस हैं चार पिलर्स हैं बी आई एम एम बी आई एम एच आर डी बी आई टी एम बी आई आई बी जहाँ पर यह चार उन्होंने स्पेसिफाई किया है टेलीकॉम स्पेसिफाई किया है इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो स्पेसिफाई किया है तो इंपॉर्टेंट uh, डेट्स में ये कुछ एप्लीकेशन है बट थ्रू आउट द ईयर एप्लीकेशन ओपन होते हैं इनका इनटेक यू नो नियर अबाउट वन थाउजेंड स्टूडेंट्स का है सो दैट इज द रीजन यू नो आप थ्रू कैट थ्रू जैट थ्रू सी मार्ट कभी भी अप्लाई कर सकते हैं सो दैट इज समथिंग वट ही डोंट नीड टू वरी फेबररी में मार्च में आई मैन यू कैन अप्लाई फू द कॉलेज स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करिए पर्सनल मैनेजमेंट ने निचार डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फाइनेंस आई बी प्रोडक्ट मैनेजमेंट बिजनेस अनालिटिक्स ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस एनालिटिक्स टेलीकॉम बिजनेस एनालिटिक्स डेटा साइंस बिजनेस एनालिटिक्स बट स्पेशली यू नो वी आर बी वील भी टॉकिंग अबाउट पर्सनल मैनेजमेंट कई सारे कॉलेज हैं यू नो जो काफी पुराने कॉलेज है जो एच आर के लिए इवन नोन है दे स्टार्ट नो एच आर विद द नेम ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड देन दे री ब्रेंड पर्सनल मैनेजमेंट विद एच आर तो बुद्ध थिंग्स आर क्वाइट सिमिलर तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं फिफ्टी परसेंट टाइम होना चाहिए ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है बट बेस्ड ऑन यू नो पी आई यू यू विल बी एबल टू मेक इट कि आपका होगा या नहीं होगा तो आप इवन महाराष्ट्र सी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं सीमार्ट जाट, मार्ट कैट इन सभी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं जो एम बी ए कराता है पहले ये पी जी डी एम कराते थे देन लेटर ऑन दे वन दे स्टार्ट देयर ओन यूनिवर्सिटी कल श्री बालाजी यूनिवर्सिटी तो दे स्टार्ट ऑफरिंग एम बी ए जिसकी फीस टेन लाख सेवेंटी थाउजेंड एंड दिस इज द ट्यूशन फीस राइट ये कॉलेज जो है इस साल से पहले तक थ्री सिक्सटी फाइव डेज का कॉलेज था हमें नो ईद नो दिवाली नो होली नो सन्डे राइट बट इस साल से उन्होंने थोड़ा सा स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन दिया है हमें I mean, आपको संडे का छुट्टी मिलता है ये यू नो अच्छा चेंजेस है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी पॉपुलर भी है क्योंकि यू नो काफ़ी स्ट्रिक्ट कॉलेज माना जाता है राइट एंड आई थिंक ड्यू टू दिस रूल्स एंड रेगुलेशन इट इज़ क्वाइट पॉपुलर एंड ड्यू टू दिस इनटेक ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा एलुमनाए हैं इस कॉलेज के क्योंकि हर साल अगर हम बात करें आठ सौ नौ सौ हजार बच्चा पास आउट हो रहा है तो दस साल में बीस साल में राइट right? तीस साल में तीस हजार बच्चा हो गया तो वो नेटवर्क एलुमनाई नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया सो दैट इज ऑल्सो दिस वन थिंग कैंपस लाइफ में विल फाइंड ऑल दी थिंग्स राइट अभी रिसेंटली पुणे गई थी एंड uh, मैंने अंदर से तो नहीं देखा बट मैंने बाहर से कॉलेज देखा राइट एंड आई थिंक वहाँ पे दे हैव दिस छोटे छोटे चाय स्टॉल्स देयर यूल फाइन शाम के टाइम बहुत सारी स्टूडेंट्स हूँ कम यू नो वॉट एवर यू कैन से चाय सुट्टा एंड ऑल दीज थिंग्स अगर हम बैच प्रोफाइल की बात करें तो uh, यहाँ पे 71% परसेंट मेल हैं ट्वेंटी 29% फीमेल हैं ये बैकग्राउंड है जिसमें आपको बीए बीकॉम बीटेक फार्मेसी जैसे यू you नो know, आप देख पा रहे होंगे सिक्सटी परसेंट जो बैच है दैट इज फ्रॉम बी ई बी टैक देन फिर बी ए वाले स्टूडेंट्स हैं बी फार्मेसी बी एस सी आई मैन आई विल फाइंड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल दी अकेडमिक बैकग्राउंड एवरेज प्लेसमेंट की हम बात कर लेते हैं यार मुझे ऐसा लगता है कि एच uh, आर के लिए एवरेज पैकेज जो है क्योंकि इन्होंने इन जनरल हर जगह एवरेज पैकेज सिक्स पॉइंट फाइव लाख का मैंशन कर रखा है एंड uh, पर अगर आप एच के लिए देखोगे तो एच के लिए थोड़ा सा लड़ल वेरिएशन है आप पर छः साढ़े छः लाख का एवरेज पैकेज एच के लिए भी जो है वो कंसिडर कर सकते हो एक प्रॉब्लम कॉलेजेस जिनके इनटेक थोड़े से ज़्यादा होते हैं वहाँ पे एक ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि जिस स्टूडेंट से जो मेरा इंटर्न है जिससे मैं बात कर रही थी ही सेड कि अगर आपका लेट से कहीं पे प्लेसमेंट हो गया राइट right? एक बार आपका प्लेसमेंट हो गया आप दूसरी कंपनीज में नहीं बैठ सकते हो इवन अगर आप ऑफ कैंपस यू नो खुद से गए आप प्लेसमेंट ले आए देन आल्सो यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट फॉर प्लेसमेंट और हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट्स के लिए बट कॉलेज एक्सैक्टली डू कि उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपका बैक लग गया तो आप एलिजिबल नहीं हो या आपकी इतनी अटेंडेंस नहीं है तो वो हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट कहीं ना कहीं उन पैरामीटर्स पे शो करते हैं कि हमारा हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट हो गया है बट एंड में कहीं ना कहीं एक चंक ऑफ स्टूडेंट जो है वो बच ही जाते हैं जिस स्टूडेंट से मैंने बात की थी उसने खुद भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया था तो उसका कहना सिंपल सा यही था कि कॉम्पिटिशन है जो मेजर प्रॉब्लम क्योंकि इट्स नॉट अ दो दिन में ही सारे हो जाएंगे सारी कंपनी आएंगी कंपनी आती रहती है आप लोन लेकर जा रहे हो आप भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो मेरा प्लेसमेंट जल्द से जल्द हो जाए और लैस कंपनी आई आपका साढ़े छह लाख का पैकेज प्लेस है। का package, हो सकता है आप क्रैक कर सकते हैं वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करता है इट इज स्ट्रिक्टनेस मुझे लगता है प्लस पॉइंट इट इज इंपॉर्टेंट अगर आप कॉर्पोरेट जाओगे तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने सीखी है वो आपको हेल्प करेगी फॉर श्योर sure. बाकी एंड आई थिंक बहुत जितने भी कॉलेजेस है पुणे में उन सभी के एवरेज पाकिज साढ़े छः सात लाख हैं तो आपको देखना है कि आपको इस सेम फीस में क्या इससे ज्यादा एवरेज पैकेजेस वाले मिल रहे हैं। लिस्ट में और कौन से जानना चाहते हो तो नीचे एक का लिंक दिया जिसको फिल से लेकर स्टार्टअप भी बहुत सारे आते हैं को लेने के लिए, यहाँ पे जो नॉन कंपनीज है जिससे स्टूडेंट सोचता है अच्छा डिलोइ आती है रिलायंस है कोका कोला है ऐसा नहीं ये सारी कंपनीज नहीं आती बट ये भी नहीं है कि हर साल ये जितनी भी कंपनीज दिख रही है हर साल आती है हो सकता है कोई कंपनी है जो